Assalamualaikum student, I am your teacher Miss Zareen Anees. Today I have book of Afaq Sun series class 6 mathematics in which I have to explain you unit number 7 percentage. Students, ye hamare paas book ka page number 91 hai. Isme percentage ki definition likhi hui hai. When the denominator of a fraction is 100, it is called percent. The term percent means out of 100. द टर्म परसेंट इज सिंबलाइज एज, परसेंट की सिंबल है ये. सो 17% इज इक्वल टू 17/100, 20% इज इक्वल टू 20/100, 35% इज इक्वल टू 35/100. मगर मैं आपको परसेंटेज की एक बहुत ही आसान डेफिनेशन अभी बताती हूँ. आई हैव बुक सिंटेक्स बुक पोर्ट क्लास 5 की मैथ्स की बुक है. इसमें मैं आपको परसेंटेज की डेफिनेशन बता रही हूँ. बुक में लिखा हुआ है द वर्ड परसेंट इज फॉर्म्ड ऑफ टू वर्ड्स पर एंड सेंट. पर मीन्स आउट ऑफ एंड सेंट मीन्स 100. देयरफॉर द परसेंट इज यूज फॉर 100 एंड रिप्रेजेंटेड बाय परसेंट के टेज की सिंबल है. देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ के 100 हिस्सों में का कोई भी नंबर उसका परसेंट है. जैसे हमारे पास पिक्चर है, ये लुक एट दिस पिक्चर. देर आर 100 ब्लॉक्स इन दिस पिक्चर. ओके, जब हमारे पास 100 ब्लॉक्स हैं और जब हम उसको काउंट करेंगे तो ऊपर वाली लाइन पे 10, नीचे वाली लाइन पे 10 और नेक्स्ट जो थर्ड लाइन है उस पर 8 ब्लॉक्स कलर्ड है. तो 28% 100 में से ये इस तरह सपोज कर लें आप कि आपके पास 100 पेस्ट्री के पीसेज हैं जो कि एक बाउल में हैं, एक पेस्ट्री की केक पे हैं पूरे, और उसमें से आपको 28 चाहिए. यानी आपने उसका 28 उस पूरे 100 पीसेस की केक का 28% यूज़ कर लिया. अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम काउंटिंग करें तो ऊपर वाली लाइन है 10 की, नेक्स्ट लाइन पर हमारे पास 2 हैं, 10 और 2 12 13 14 15 16 17 17 आउट ऑफ 100 मीन्स 17%. नेक्स्ट देख लीजिए, हमारे पास ऊपर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउट ऑफ 100 मीन्स 8%. ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर उसके नीचे देखते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं. लुक एट दिस, दिस इज 10, दिस इज ऑल्सो 10, 10 और 20, ठीक है, 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 41 42 43 44 45 46, ठीक है, क्योंकि फोर लाइन्स तो यहाँ पर चलेगी. 46 47 48 49 49% मीन्स 49/100. तो परसेंटेज की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी. किसी भी चीज़ के 100 हिस्से और उन 100 में से जितने भी आप इस्तेमाल करेंगे वो उतना परसेंट है. ठीक है, अगर कोई चीज़ आपके पास 100 पीसेस में नहीं है, 4 पीसेस में है, यानी कि वो 2/4 है या 1/4 है, तो हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये बुक का पेज नंबर है 92. इसमें हमारे पास क्लास एक्टिविटी है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हमारे पास परसेंटेज लिखा हुआ है और उसके सामने उसका कॉमन फ्रैक्शन है. आप ये बात याद रखिए, किसी भी होल नंबर के आगे अगर परसेंटेज की सिंबल होगी तो उसका मकसद है उस होल नंबर को 100 से डिवाइड करना है. किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन के आगे अगर परसेंटेज की डेफिनेशन हो, परसेंटेज की सिंबल होगी, तो उसका मकसद है वही डेसिमल फ्रैक्शन अपॉन 100. सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप अपॉन 100 नहीं कर सकते, आपको डिवाइड करना है. ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं पूरे क्वेश्चंस को. हमारे पास पहले लिखा हुआ है 15%. 15% का मतलब 15/100.
ओके 15/100, अब मैं इसको थोड़ा पेपर पे कर लेती हूँ। हमारे पास पहला नंबर लिखा हुआ है 15%। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, किसी भी होल नंबर के आगे अगर परसेंटेज की सिंबल होगी, उसका मकसद है वो होल नंबर 100 से डिवाइड हो रहा है, यानी 15% का मतलब 15/100। अब चूंकि जिस नंबर के आखिर में 0 और 5 होगा, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसका ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। और इसको हम ये भी ले सकते हैं, 5 3 15, 5 20 100। इट्स अप टू योर MCQs ऑप्शंस, इट्स अप टू योर टीचर्स से कि आपको कॉमन फ्रैक्शन में ही करना है या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 28%। 28% का मतलब 28/100। हमारे पास 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, जिस नंबर के लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। हम इसको 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें रूल पता है तो हम इसको 4 से करेंगे। 4 7 28, 4 25 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 32.5%। 32.5, 2 होल नंबर थे, एक डेसिमल फ्रैक्शन आ गया, मतलब अपॉन 100, क्योंकि हमें डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में आंसर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास होल नंबर के लास्ट में पॉइंट है और यहाँ पर एक नंबर पहले, हम इसको एक नंबर पहले ले जाएंगे। यहाँ पर चूंकि हम एक नंबर बाद लेकर गए हैं, तो इधर भी एक नंबर बाद लेके जाएंगे। चूंकि एक नंबर यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हम 0 लगा देंगे। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन आया है वो है 325/1000। इस नंबर को आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 6 35, 5 25, लेकिन मैं इसको 25 से डिवाइड कर रही हूँ। 25 से डिवाइड करने के लिए मैं इसको डिवाइड करती हूँ। 25 का टेबल बहुत आसान है, 25 1s are 25, 12 में से 5 माइनस करा 7, 2 में से 2 माइनस किया 0, 25 3s are 75, इट मीन्स 13 हमारे पास आया है आंसर। 325 को जब 25 से डिवाइड करेंगे, और 25 4s are 100, 25 0s are 0, 13/40 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है, 325%। 325% का मतलब, ये भी एक होल नंबर आ गया, 325/100। इसको दोबारा, आपको पता है कि 25 से डिवाइड किया था तो 13 आया था, बट यहाँ पर 100 की जगह आपके पास आएगा 4। चूँकि न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 3s are 12, 3 whole 1/4 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास है 3 whole 1/5%। 3 whole 1/5% का मतलब, हमारे पास ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर है, 3 whole 1/5, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन मेक्स अ मिक्स फ्रैक्शन। अब हम इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5 3s are 15 और 1 16/5, क्योंकि परसेंटेज का मतलब किसी भी नंबर डेसिमल या फ्रैक्शन को डिवाइड करना होता है 100 से। जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा, 16/5 × 1/100। ये दोनों नंबर 4 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, 4 4s are 16, 4 2s are 8, 4 5s are 20, आंसर इज 4/125। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज की डेफिनेशन एक्सप्लेन की और क्लास एक्टिविटी नंबर 1 एक्सप्लेन की है, जिसका मैंने आपको हाफ पार्ट एक्सप्लेन किया है। इसका सेकेंड पार्ट मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अगर चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरी वीडियोस में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या और समझना है। शुक्रिया।